हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं स्कैटर चार्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। स्कैटर चार्ट सीखने वाले हैं, चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं ये हिस्सा, क्योंकि डेटा हमारा इसी में है। ये हिस्सा हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे आपको जाना है और यहां से देखिए ये आपको मिल जाता है स्कैटर चार्ट। यूज क्या है, स्कैटर का मतलब होता है बिखरा हुआ। यहां पर जाते हैं और इसको चूज कर लेते हैं, तो ये सिंपल है काफी। ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका 96 और ये दिया हुआ है आपका 88, ठीक है। यहाँ पर आपको 88 यहाँ पर दिख रहा है और 96 आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पर। ये देखिए ये जो है 96 है, दिख रहा है। तो दोनों ही को मैंने अलग कलर प्रोवाइड किया है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट को अलग कलर प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अब देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर देखिएगा। जैसे ही मैं इस 96 को चेंज करता हूं और यहां पर 90 लेके आता हूं, 90 मैंने क्या लाया, 90 लाया, 86 था 90, तो यहां पे 90 आ गया। और 90 आते ही इसकी सिचुएशन देखिए, ये दोनों जो है एक के ऊपर एक, मतलब एक के ठीक बाद एक, एकदम सटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस 90 को या 88 को चेंज करता हूं, जैसे मान लीजिए इस 88 को मैं बना दूं अगर 80, तब देखिए दोनों में दूरी बढ़ जाएगी। देखिए दूरी बढ़ गई कि नहीं। अब यहां पर ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसे 80 से डिनोट किया गया, मतलब ये 80 है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है।